हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट हम जानेंगे और ये जो अपडेट जुड़ा हुआ है DFCCIL से रिलेटेड है, ठीक है। DFCCIL का जो कट ऑफ जारी हुआ है और ये जो कट ऑफ जो जारी हुआ है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में थी और एक पोस्ट और थी इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की, ठीक है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है DFCCIL द्वारा और ये जो कट ऑफ जारी किया गया है टोटल 120 मार्क्स के अंतर्गत है, ठीक है। 120 मार्क्स, आप सभी लोग, जैसा कि पता है कि आप लोग अपने अपने एग्जाम देने गए होंगे, तो ये वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिकल में कितना रहा है और सिग्नलिंग में आपका कितना कट ऑफ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो कुछ भी कमेंट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियोज भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले भी एक कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे DFCCIL ने जारी की थी और उसमें 5 कैटेगरीज का वहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था और उनमें से कुछ ये थी। तो उसमें थी एग्जीक्यूटिव सिविल की, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, स्टेशन मास्टर की थी, ठीक है, स्टेशन मास्टर की भी थी। तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक के तो वहाँ पे लोगों ने अपना कट ऑफ जारी कर दिया था और उसमें लिस्ट करके सब कुछ बता दिया था, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि कितने कैंडिडेट उसमें अपियर्ड हुए हैं, कितने लोग एग्ज़ाम देने आए हैं और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, ठीक है। तो ये सब आप सभी लोग देख चुके होंगे उस वीडियो में, 1 से 5 तक ये उन लोगों ने उसी जो पहले का जो कट ऑफ निकाला था, ठीक है, जो कट ऑफ निकाला था 1 से 5 कैटेगरी का, उसी में 6 नंबर का एक और लिस्ट जारी की है और 1 7 नंबर की लिस्ट जारी की है, ठीक है। जो 6 की है तो ये है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है और जो 7वीं वाली है वो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट है। तो 1 से 5 का अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के अंत होते ही एक छोटी सी विंडो आएगी तो उसमें वो वीडियो मैं वहाँ पे लगा दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ 5, 6वीं और 7वीं नंबर की जो टेबल है वो डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल वाली है और सिग्नलिंग वाली है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम सीधे अपने 6वें और 7वें नंबर की टेबल पे। तो यहाँ मैंने इसको क्लियर कर दिया है और थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ये सारे तो आप देख चुके हैं, ठीक है, 3rd नंबर का भी आप देख चुके हैं और 4th नंबर का भी देख चुके हैं। नहीं देख पा रहे हैं तो लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो वो विंडो में आपको देख पाएंगे, कुछ इस तरीके से विंडो निकल के आएगी, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आप देख लेना। तो 4th नंबर तक हम पहुंच गए हैं, 5वें नंबर तक आ गए हैं, ठीक है। 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर से, यहाँ से जो देखने वाला बात है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा, ठीक है, जो कल ही जारी हुआ है 6वें नंबर का और 7वें नंबर का, जो कि है इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जिसका रिजल्ट अभी अभी जारी हुआ है और सिग्नलिंग पोस्ट के लिए इसका भी रिजल्ट अभी अभी कुछ दिनों पहले ही इसी हफ्ते जारी हुआ है। और ये जो पूरा आप अपडेट देख पा रहे हैं ये आज ही के आज डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी आज ही डिस्कस हुआ है, ठीक है, आज ही वेबसाइट पे आया हुआ है DFCCIL की। तो जल्द से जल्द आपको अपडेट लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के पोस्ट का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेंट जो रजिस्टर्ड हुए थे 4115, उनमें से 2669 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने गए, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था वहाँ पे, यहाँ पे जो कट ऑफ जारी हुआ है 58 से 84, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैंडिडेट की रेंज गई है और 58 वाला जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया हुआ है यहाँ पे 84 में, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे 57 रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए और यहाँ 56 करीब करीब रहा है एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 58 रहा है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 64 रहा है और यहाँ पे PWD कैटेगरी थी तो यहाँ पे 48 रहा है, ठीक है, थोड़ा कम ही ज़्यादा PWD कैटेगरी का क्योंकि सीट यहाँ पर कम रहती है। तो लोएस्ट कट ऑफ रेंज भी उसी हिसाब से यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे कितना कितना लेकर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2669 कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ निकाला गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की। तो यहाँ पे सिग्नलिंग और टेलीकॉम में यहाँ पे कैंडिडेट के सबसे हाईएस्ट जो रहा है अनरिजर्व के लिए रहा है
सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अपियर्ड कितनी हुई थे। मात्र 568 कैंडिडेट ही यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, और उन्हीं 568 में से यहाँ पे जो लिस्ट निकाली गई है आप सभी लोग देख पा रहे हैं, 92 मार्क्स रखा गया है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 63 रखा गया है, एसटी कैटेगरी के यहाँ पे 56 रखा गया है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 74 या एक्स सर्विसमैन के लिए 83 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पॉइंट मैंने थोड़ा आगे का नहीं बोला है क्योंकि पॉइंट नियर बाई इतना नहीं है, क्योंकि काफ़ी है, देखिए यहाँ पे 30 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 30 का फर्क है करीब करीब, और यहाँ पे इसलिए मैंने पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया। तो मेन ये रहा है 92 रहा है ये वाला, 63 रहा है एससी का, एसटी कैटेगरी के लिए रहा है 56, ओबीसी के लिए रहा है 74, और एक्स सर्विसमैन के लिए रहा है 83। वहीं उसी हिसाब से लोएस्ट मार्क्स भी यहाँ पर डिसाइड करे गए हैं। तो वीडियो सिर्फ इतना ही था, अपडेट सिर्फ आपको इतना ही देना था। 1 से 5 तक का जो था वो आप सभी लोग देख चुके थे, और 6वां और 7वां हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अपडेट आपको जैसा भी लगा जरूर बताइए, एक थैंक यू का मैसेज जरूर लिखें, बहुत कम ही लोग थैंक यू का मैसेज लिखते हैं, लेकिन जो भी हमें लिखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें उनका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जो भी लाइक का बटन रहता है, उनका जो हार्ट का बटन रहता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर क्लिक जरूर करता हूँ, और यहाँ पे मैं उनको एक प्रोत्साहन के तौर पे उनको जरूर उनका अपडेट मैं जरूर देखता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक कर दीजिए इस कमेंट वीडियो को, एक दिल से लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट कर दीजिए जो कुछ भी क्वारीज वगैरह हैं। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि मैं क्वारीज वगैरह जरूर लेता हूँ कैंडिडेट्स की, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज आपको चैनल के थ्रू हमारे मिलते रहेंगे। ठीक है, DFCCIL के जितने भी हैं, MTS का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, MTS का आने वाला है कुछ दिनों में, तो DFCCIL MTS की अभी डेट तो आई नहीं है, और ये कितना से कितना रहेगा इसका कट ऑफ, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी वो हमारा वीडियो आपको मिल पाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।